उत्तर प्रदेश को हर मायने में सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का स्वप्न प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था और अब इस स्वप्न को साकार होते हुए पूरी दुनिया देख रही है। माँ गंगा किनारे बसे काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दुग्ध क्रांति हो रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर के बाद अब काशी में भी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी द्वारा अत्याधुनिक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस विशाल प्लांट के जरिए पूर्वांचल भी दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। क्या हमारे उत्तर प्रदेश में अमूल जैसी डेयरी नहीं बन सकती है? बन सकती है कि नहीं बन सकती भैया? क्या यहाँ के किसानों का आय बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? लेकिन करना ही नहीं। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, मैं वादा करता हूँ, अकेली श्वेत क्रांति से, पशुपालन और दूध के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव को, नौजवान को रोजगार मिल सकता है, उत्तर प्रदेश के गांव के किसान को ताकत मिल सकती है, उत्तर प्रदेश के गांव के किसान की आय बढ़ सकती है और श्वेत क्रांति के कारण देश के सामान्य जनों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। सपने देखने चाहिए। सात वर्ष पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सपने की बात कही थी वो प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़े पैमाने पर साकार हो रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014 से जो बनास डेयरी उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को वार्षिक 188 करोड़ रुपए का भुगतान करती थी, उसी बनास डेयरी द्वारा पशुपालकों को वर्ष 2021 में 911 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 87 तहसीलों के करीब 1,70,000 पशुपालकों के लिए इस वर्ष के अंत तक यही भुगतान की रकम 1,000 करोड़ रुपयों के पार हो जाएगी। सपने ऐसे ही साकार होते हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण करखियाओं वाराणसी के एग्रो पार्क में 30 एकड़ में बनास काशी संकुल संयंत्र का शिलान्यास हो रहा है, जो इस विकास की गति को और ज्यादा तेज कर देगा। ये विशाल प्लांट पूर्णतः स्वयं संचालित एवं आधुनिक तकनीकियों से बनेगा, जिससे उच्चतम गुणवत्ता के उत्पाद बनाए जा सकेंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पर आधारित इस प्लांट को बनाने में 475 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। इस परियोजना से वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ जिलों के 1,000 से ज्यादा गांवों में दुग्ध मंडलियों का गठन होगा, जिससे स्थानीय पशुपालकों को दूध का सही दाम तो मिलेगा ही, साथ में प्रत्यक्ष रूप से 750 लोगों को प्लांट में, 2,350 लोगों को फील्ड में रोजगार मिलेगा एवं 2,50,000 परिवार दूध के व्यवसाय द्वारा डेयरी से जोड़कर आत्मनिर्भर बनेंगे। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग की होगी। दही प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता 50 मीट्रिक टन की होगी। वहीं पनीर प्रोसेसिंग प्लांट की कैपेसिटी 20 मीट्रिक टन की होगी। आइसक्रीम प्लांट की कैपेसिटी 50,000 लीटर की होगी। बटर मिल्क पैक करने की क्षमता 75,000 लीटर की होगी। वहीं 15,000 किलो लस्सी और 10,000 किलो अमूल मिठाई का प्रोडक्शन होगा। भविष्य में इस प्लांट की क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। बनास काशी संकुल में अमूल बेकरी प्लांट, टेक होम राशन प्लांट और महिलाओं और बच्चों के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्लांट स्थापित करने की भी भविष्य में योजना है। इस प्लांट में तैयार होने वाले उत्पादों की सप्लाई उत्तर प्रदेश के साथ साथ समग्र देश में की जाएगी। इस स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट में अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस प्लांट, बॉयलर प्लांट और सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा, जिनके कारण ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और हर वर्ष करोड़ों रुपयों के खर्च में कटौती होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से आज देश के कोने कोने में लोगों तक बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास की गंगा अविरत पहुंच रही है। रोजगार के नए नए प्रकल्प शुरू हो रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हो रहा है। इसीलिए कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है।